ऐसा क्यों होता है कि हम कितनी भी वीडियोस डाल लें, कितनी भी क्वालिटी प्रोवाइड कर लें, लेकिन हमारा वॉच टाइम इतनी फास्ट इंक्रीज नहीं हो पाता। बट ऐसी तीन चीजें जिससे आपका वॉच टाइम यहां से यहां तक जंप कर जाएगा बहुत सिंपली और बहुत फास्ट। लेट्स गेट देम। तो यूट्यूब की वीडियोस इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, लेकिन मूवीज तो फिर भी होती है। तो ऐसा मूवीज में क्या होता है जिससे वो इंटरेस्टिंग होती है और वीडियोस नहीं? तो पहले मूवी का ट्रेलर देखते हैं, जिससे मूवी देखने को डिसाइड करते हैं। और यूट्यूब वीडियो का ट्रेलर क्या है? उसका इंट्रो। तो आपको भी इंट्रो में कुछ ऐसा करना है जिससे आपका वॉच टाइम बढ़े, लाइक अ मूवी। किसी मूवी में ऐसा तो होता नहीं है। आज की इस मूवी में मैं आपको बताऊंगा कैसे दो लोग चोरी करते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें एक चोर आता है, वो जाता है, डॉर खुलता है और देखता है उसमें कुछ नहीं है, और उसका पोपट हो जाता है और वो वहां से चले जाता है। मूवीज कुछ ऐसे टाइप की होती है। तो इसका मतलब जो इंट्रो है वो हमें अपना ट्रेलर की तरह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, और फिर जो आपका मिडिल का पार्ट है उसमें आपको पूरी एक कहानी सुनानी है लोगों को, जिससे उनका इंटरेस्ट भरा रहे और वो मिडिल के पार्ट को पूरा देख लें। और जो एंडिंग का पार्ट है आपको चीजों को रैप करना है, जो भी आपने बोला उसे समराइज करना है, और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा करना है जिससे वो लोग आपकी एक और वीडियो देख लें। तो ये है हमारी पूरी वीडियो का आउटलुक। बिगिनिंग में होना चाहिए आपका हुक, मिडिल में होना चाहिए आपकी स्टोरी और इंटरेस्ट, और एंड में होना चाहिए आपका रैप अप। और जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं अपनी वीडियो, आपकी नेक्स्ट वीडियो को भी लोग देख लें, तो आपको बाहुबली जैसा कुछ करना होगा। बट इसके साथ एक और चीज है, शो डोंट टेल। आप चीजों को दिखाओ और बोलो मत। जैसे अभी मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जब रैप वाला सीन आया था तो मैंने आपको रैप करते हुए दिखाई थी चीज। तो आपको भी कुछ ऐसा करना है जिससे ऑडियंस उस चीज को देखे और समझ जाए, उसे ऑडियो को सुनने की जरूरत इतनी ना पड़े, जिससे व्यूअर्स का इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपका वॉच टाइम बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो अब बात है एनालिटिकल पार्ट की। इसमें आपको सबसे पहले YT स्टूडियो में जाना है, उसके बाद एनालिटिक्स में, फिर एडवांस मोड, एंड स्क्रीन एलिमेंट शोन। अब इसका मतलब क्या है? एंड स्क्रीन एलिमेंट शोन का मतलब कि कौन कौन लोग आपकी वीडियो में एकदम एंड तक आए। अब इसमें देखना है आपको कि कौन सी वीडियो है जिसमें लोग सबसे ज्यादा एंड तक आए। तो जैसे मेरी ये वाली वीडियो है, अब मैं इसमें जाऊंगा और इसमें जाके देखूंगा कि इसमें मैंने ऐसा क्या किया है जिससे सबसे ज्यादा लोगों ने उसे एंड तक देखा। जो हमारा ऑडियंस रिटेंशन का ग्राफ होता है वो तो लोग स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं, बट इससे हमें एग्जैक्ट नंबर मिलता है कि कौन कौन एंड तक देख के गया। तो हमको भी ये करना है, जो जो एंड तक देख के गया उससे लर्निंग लिखनी है और उसे रिपीट करना है। और इसका एक और पार्ट है जो है अंडरस्टैंडिंग योर ग्राफ। तो इसमें काफी सारे ग्राफ होते हैं, मैं आपको मेजर चीजें बता देता हूँ। तो हमको ग्राफ्स को देख के डिसीजन लेना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे डिप है तो फाइंड आउट करो कि आपने ऐसा क्या बोला, कोई चीज रिपीट करी क्या या कोई वर्डिंग आई क्या। तो ऐसी चीजों को ढूंढना है जहाँ पे आपको लगे कि डिप है, और स्पाइक है तो एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे लोग नीचे से ऊपर गए, तो आपको वहां पर देखना है कि ऐसा आपने क्या किया जो स्पाइक आया। और कॉन्टिन्यूस सेगमेंट है तो उसको लिख लो, उसमें ऐसा क्या क्या था जिससे लोगों ने उसे पूरा देख लिया। और अब है सबसे इम्पोर्टेंट ट्विस्ट, चाहे वो फिल्मिंग एंगल से हो, चाहे वो किसी और ब्लॉगिंग करने का ट्विस्ट हो, बस ट्विस्ट होना चाहिए जिससे ऑडियंस को लगे अरे हाँ मजा आ गया वीडियो को देख के। जैसा भी आपको इस एंगल से लग रहा है, लेकिन ये फिल्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आपको भी मुश्किल चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इससे क्या होगा, आपकी वीडियो में जैसे ट्विस्ट होगा लोगों को मज़ा आएगा, उनकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी और आप अपनी चीज़ों को रैप अप कर पाओगे, और आपका वॉच टाइम बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आपको भी कोई ट्विस्ट डालना है अपनी वीडियो में जिससे आपका वॉच टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप जंप कर पाओगे यहाँ से यहाँ वॉच टाइम में। अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए तो इस वीडियो पर क्लिक करो और जाकर देख लो। बाय बाय।